सिक्स में हमें बोला गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। तो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब उसमें बोला गया है कि जितने भी आर्टिकल एक उस दिन प्रोड्यूस होते हैं बनते हैं उनकी जो कॉस्ट है पर आर्टिकल वो उसके ट्वाइस से तीन ज़्यादा है, और उनकी जो टोटल कॉस्ट दे रखी है उस दिन की प्रोडक्शन की वो 90 रुपीज़ दे रखी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एक्स, हमने ये माना कि उस दिन एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, तो इसकी जो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट उसने बोली है कि जितने प्रोडक्शन हुआ है उसके ट्वाइस से तीन ज़्यादा है, उसके ट्वाइस मतलब 2x+3। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है जो टोटल कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट दे रखी है वो है 90 रुपीज़। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है वो होता है टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल क्वांटिटी इनटू कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब हमें दे रखा है इसमें क्वांटिटी, अब जो मतलब है कितने प्रोड्यूस हुए थे एक्स, और उसकी जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की 2x+3 है, और टोटल कॉस्ट जो आई है वो आई है 90। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 2x² + 3x इज इक्वल टू 90। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो +3 - 90 = 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग विडल थ्योरम से करेंगे। तो 2 × 90 = 180 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 90 = 45, इसे किया 15, अगेन 3 से किया 5, और मिडिल टर्म 3 है तो हमने हमारा हो गया 3 5 3 = 15, 2 2 = 4 4 3 = 12, 15 - 12 तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। सो इसमें x कॉमन आ गया तो 2x + 15 बचा, यहाँ से हमारे पास 6 कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा 2x + 15। तो हमारे पास जो दो फैक्टर आए इसके x - 6 और 2x + 15, तो x - 6 = 0, तो x आ गया हमारा +6, 2x + 15 = 0, तो 2x = -15, सो x हो जाएगा हमारा -15/2, और नेगेटिव में कोई भी क्वांटिटी हो ही नहीं सकती तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6, और कॉस्ट हो जाएगी उसकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो हमने बोला था वो था उसका 2x + 3, तो 2 × 6 + 3 इसको करा 2 6 = 12 + 3 ₹15। तो उस दिन 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे और
उनकी जो टोटल एक की कॉस्ट थी वो थी 50।